गाइस ये शू है 145 का और $35 की एक टी शर्ट है और $40 की एक टी शर्ट है, टोटल बनता है $26। ठीक है, तो मैंने पे किया सिर्फ $26, 226 बनता है टोटल। तो मैंने $226 कैसे पे किए नाइकी के शो, और ये वीडियो पूरी देखना आपको पता लगेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है, वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और पीयूष भी है मेरे साथ। सो 7 जुलाई को हमने जाना है ब्लू माउंटेन घूमने, प्रियांशु का बर्थडे है। सो मेरा बर्थडे है 7 जुलाई को, तो ब्लू माउंटेन जाना है, तो वही शॉपिंग की तैयारी हो गई है। तो हमने 2 नाइकी के शूज़ खरीदे और 2 टी शर्ट खरीदी हैं। एक टी शर्ट $45 की है, दूसरी टी शर्ट $35 की है, एक शूज़ $170 का है, एक शूज़ $170 का है, दूसरा शूज़ $125 का है। हाँ, वो क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था और डिस्काउंट चल रहा था, और टोटल हमने दिए $50 सभी चीज़ों के। तो इसका मैं रिवील करता हूँ क्या चीज़ें हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बैक एंड का नज़ारा दिखा रहे थे, देख सकते हो बैक एंड का नज़ारा। फाइनली मॉल ओपन हो गए हैं और हमें अपनी साइड रहनी है। हम उस साइड से जा रहे थे तो बहुत सारे गार्ड्स आके कह रहे थे कि अपनी साइड पे चलो। ये एरो दिख रहा है ना, तो ओल्ड नेवी ओपन है, तो पहले ओल्ड नेवी चलो चलते हैं, मैं फिर ओल्ड नेवी भी जाके कुछ बाय कर लेता हूँ। तो पीयूष ने भी काम पे जाना है थोड़े टाइम में, मैंने भी जाना है, तो हमने सोचा कल दोबारा आते हैं मॉल। अभी हम चलते हैं घर की ओर, और बहुत ही अच्छा लगा, अच्छे कपड़े मिल गए और अच्छे शूज़ मिल गए, और आने वाला डे एक्साइटेड होने वाला है। मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, और लाइफ भी थोड़ी बढ़िया चल रही है भगवान की कृपा से। स्टूडेंट वीज़ा पे नया नया आया था ना, तो मैं पहले नाइकी शूज़ खरीदने के लिए जाता था, बट तब ना थोड़ा सा अंदर से फील होता था यार इतने महंगे हैं, कैसे अफोर्ड कर पाएगा बंदा $150 $200। फिर बाद में धीरे धीरे वक्त बदला, हालात बदले, और फाइनली आज हम नाइकी के शूज़ भी ले रहे हैं, और हम सोचते भी नहीं हैं कुछ बाय करने से पहले। चाहे मैकबुक हो, चाहे जो चीज़ है। तो यही मैसेज देना चाहूँगा, हसल है लेकिन उसके बाद सक्सेस तो मिलेगी। तो जितने भी नए आ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट, उन्हें यही कहना चाहूँगा, भैया वर्थ है कैनेडा आना, अगर आप मेहनत करोगे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा 101%। उस टाइम एट ए टाइम ना मिले, पर मिलेगा ज़रूर, ये बात ध्यान रखना मेरी। बदतमीज मेरे लिए भी खोल, आए बंद कर दिया। चलो हम चलते हैं, अब बस पकड़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि कैसे हमें $50 में सारा सामान मिल गया। Stay on the 24B. तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड से मनी स्पेंड करते हो, आपको सीन वीज़ा कार्ड, सीन कार्ड, सीन पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो सीन पॉइंट्स का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, $1 स्पेंड करने पे आपको 1 सीन पॉइंट मिलेगा। और हमारे पास जो सीन पॉइंट थे, पीयूष के पास 10,000 थे, मेरे पास 20,000। तो अगर आप $1 स्पेंड करते हो तो आपको 1 सीन पॉइंट मिलते हैं। तो इसका मतलब हमने स्टूडेंट लाइफ में $20,000 मैंने स्पेंड किए, 10,000 ऑल द टाइम मैंने उसने किए। ये कैसे हो पाया, जो हमने फ़ीस भरी थी $15,000 वो फीस भरी थी हमने, तो वो क्रेडिट कार्ड से पे की थी। रोज हर महीने इतना खर्च दें, 20,000 तक खर्च चुके थे पहले तो वो हमारा जो बेसिक एक्सपेंस है $1,200-1,500 हर महीना होता है, तो वो इकट्ठे हो गए, तो फिर वही स्पेंड कर दिया हमने। अभी और भी पॉइंट पड़े हैं, बट हम वो रिडीम नहीं कर। पहले आप मूवी के स्पेंड करे थे सारे 5 पॉइंट मूवियाँ, तो मैं 20,000-15,000 खर्च चुके, फिर हमारा दोबारा हो गया फिर इससे। चलो हम चलते हैं। तो वही सीन पॉइंट्स हमें मिल गए थे, तो उसी सीन पॉइंट्स को हमने स्पेंड किया और गिफ्ट कार्ड खरीदा। ज़रूरी नहीं आप फुट लॉकर का गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि आप कौन कौन से खरीद सकते हो। इससे यह बेनिफिट होगा कि आप आराम से सस्ते में नाइकी के शूज़ और बहुत सारी चीज़ें बाय कर सकते हो। फाइनली अब हम घर जा रहे हैं, गर्मी बहुत हो गई है,
तो मैंने यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, ज़्यादा ब्लॉग को लंबा नहीं खींचते, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय।